घूमते घूमते इधरों आ गए, पता लग गया थे यार है। तो हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जा रहे हो डलहौजी तो रास्ते में एक ऐसी जगह मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपका मन बोलेगा वाह क्या जगह है, मज़ा ही आ जाएगा यहाँ पे आपको जाके। आप इमेजिन नहीं दोस्तों कर सकते कि डलहौजी के नियर बाय एक ऐसी जगह है दैट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू गोवा बीच। आप इसको गोवा बीच कह सकते हो या आप इसको समंदर कह सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये एक लेक है जो इतनी बड़ी है, एक्चुअली ये रणजीत सागर डैम की जगह है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ सबसे पहले, तो ये आप अगर डलहौजी के रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है दुनेरा, बहुत सारे लोग इसे दुनेरा लेक भी बोलते हैं। ये दुनेरा से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर की दूरी पे है। भसौली गांव का नाम है जहां पे ये लेक है और यहां पे बोटिंग का अरेंजमेंट फुल फ्लेज है। अगर आपने यहां पे रुकना है तो वो भी हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। और ये रास्ते में आप देख सकते हो बहुत ही शानदार व्यू है, नज़ारे हैं, हवा, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों ये जून का महीना है, आज 15th of June है और मौसम यहाँ का बहुत ही लाजवाब है। आपको यहाँ गर्मी नहीं फील होगी, बढ़िया मौसम है क्योंकि यहाँ पे आज क्लाउडी मौसम है। और दोस्तों रास्ता बहुत बढ़िया एंजॉय करने वाला है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और सारा रास्ता आप यहाँ पे बिना किसी ट्रैफिक तय कर सकते हैं। बहुत ही अलग है बहुत जगह ये, बहुत सारे लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता, यूजली हमें भी फर्स्ट टाइम ही पता चला है और हम इधर को आज निकल आए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से कुछ लेक का व्यू आना शुरू हो गया है। ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत ही शानदार यहाँ के व्यूज़ हैं दोस्तों, बिल्कुल अलग थलग जगह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आना थोड़ा रिस्की है, कुछ नहीं है, यहाँ पे विलेजेस बने हुए हैं प्रॉपर, यहाँ की पंचायतें बनी हुई हैं, बढ़िया जगह है ये विज़िट करने के लिए अगर आप डलहौजी आते हो तो। जी हाँ दोस्तों, ये हम पहुँच गए हैं भसौली गाँव, बस यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली कैमरा बंद करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, ब्रिज के स्टार्टिंग में वो मना करते हैं, कोई इशू हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ की जो ब्यूटी है, ये आप जो ब्रिज देख रहे हो ये हाइड्रोलिक ब्रिज है टोटली, और यहाँ आके आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आप इंडिया में हो, ये डेफिनेटली कोई फॉरेन लोकेशन लगती है। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लाइमेट है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ के व्यूज़ हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही शानदार ये ब्रिज है और उसके नीचे का जो व्यू है, जो पूरी की पूरी यहाँ से लेक निकल रही है, दैट इज़ ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, शायद आप उस व्यू का मज़ा कैमरा पे इस वीडियो में ले पा रहे हो या नहीं, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। वाओ, ओ माय गॉड, ओ बहुत ही शानदार यहाँ नज़ारा। हाँ तो दोस्तों अब हम इस ब्रिज से निकल रहे हैं और एक्चुअल में भसौली गांव में हम अब पहुंचेंगे, जो कि यहां से अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर और आगे है। जो पूरा रन है वो है 13 किलोमीटर, जो कि दुनेरा से शुरू होता है भसौली विलेज तक। तो वहां पे हम आज करेंगे बोटिंग, जहां पे हमने सुना है कि वहाँ पर मोटर बोट्स भी है और आप जेट स्की का भी मज़ा वहाँ पर ले सकते हो। चलो देखते हैं दोस्तों वहाँ पे जाके क्या आगे हमें माहौल मिलता है, कैसा आज
हम तो आज यहाँ फन करने आए हैं और आपको भी यहाँ पे खूब ढेर सारा फन करवाने आए हैं, ताकि आप अपना नेक्स्ट विजिट जब भी डलहौजी बनाओ तो दोस्तों इस जगह को मिस करना मेरे ख्याल से बहुत घाटे का सौदा होगा। यहाँ तो आना बनता है, बिल्कुल बनता है। हाँ तो दोस्तों, वे टू बोटिंग यहाँ बसौली विलेज में प्रॉपर हम पहुँच गए हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये इसकी एंट्रेंस, जहाँ हमें बोटिंग और जेट स्की का मज़ा हम यहाँ ले सकते हैं। और भाई साहब जल्दी चलो जल्दी, यहाँ पे अभी थोड़ी धूप निकल आई है, मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, और ये यहाँ पे जेट्स की सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे आज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप व्यू देख पा रहे हो यहाँ से ऊपर से, जो कि बहुत ही लाजवाब व्यू है, इस नज़ारे को जिन्होंने कभी लेक का नज़ारा नहीं देखा वो शायद इसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ पे, कुदरत का नज़ारा है, नेचर की गोद है। आप यहाँ आओ, बहुत बढ़िया हमें तो फील हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लेक में बोट आ रही है एक, और क्या शानदार नज़ारा है यार, दोस्तों मज़ा ही आ गया। तो जी फ्रेंड्स, ये जो बोटिंग के जो प्राइस लिस्ट है आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या प्राइजेस चलते हैं बोटिंग के। जो बेसिकली हम मोटर बोट पे जा रहे हैं वो पर हेड 350 रुपीज़ है। मैं आपको बता दूँ, बच्चों के चार्जेस अलग हैं, अगर आपने यहाँ पे वेडिंग शूट करवाना है, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग, तो यहाँ पूरी फैसिलिटी है, आप उस स्क्रीनशॉट में भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये है रास्ता नीचे जाने का, और यहाँ पे हमारे दोस्तों ने और हमने कुछ यहाँ पे भंगड़ा भी किया है, डांस भी किया है। आप आगे देखो अभी क्या क्या होता है, खूब नज़ारे आएंगे यहाँ पे, एंजॉय करो दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है नीचे जाने का रास्ता, जहाँ से हमें अपनी जो बोट है वो मिलेगी। काफ़ी नीचे उतर के है ये, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इजी है। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, क्या शानदार व्यू है, पानी बिल्कुल साफ़ है ये डैम का, जो ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं वहाँ से ठंडा पानी है बहुत, और साफ़ पानी आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा देखने को, और क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों। और भागते हैं हम और जल्दी से अपनी मोटर बोट पकड़ते हैं, और भाई साहब यहाँ पे सारे पहुँचते ही अपना अपना फ़ोटो शूट कराना शुरू हो गए हैं। क्या जगह है, लाजवाब बेमिसाल, सबको शौक है यहाँ पे, शायद सभी फ्रेंड्स ऐसी जगह पे पहली बार आए हैं तो बहुत ही खुश लग रहे हैं, और अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ्स वो फ़ोटोशूट में लग गए हैं, तो लगे हाथ हमने भी करवा ली एक। और दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने बोटिंग का सफ़र, और बीच बीच में अपने मुश्तंडे यारों के मैं आपको मजाक भी सुनाता रहूँगा। आप ईयरफोन्स लगाओ और एंजॉय करो इनके जोक्स, इनके मजाक का, जो कि बहुत फनी होने वाला है। तो दोस्तों ये एक नज़र में कोई लेक तो लगती नहीं, बिल्कुल समंदर ही लगता है, जिसकी जितनी ये विड्थ है, और गहराई भी इसकी कह रहे हैं कि 1600 फीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ਆਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ।
दूर आ गए। ये बोट वाले भैया हमें काफी आगे अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 किलोमीटर ले आए और अब हम जा रहे हैं वापस। तो आप इधर से फ्लो देख सकते हो लेक का, पानी का, कि कितना तेज़ है, डेंजरस है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी पूरी है, आपको बिना लाइफ जैकेट यहाँ पे नहीं आने देंगे, तो जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हमारी अब वापसी हो रही है। तो दोस्तों आज का ये हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आगे मैं दिखाने वाला हूँ हमारे एक फ्रेंड जिन्होंने जेट स्की करी है, हम नहीं अनफॉर्चुनेटली कर पाए, और उनके ये क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ सडनली साडा कोई प्लान नहीं सीगा, आपां दे उधरों घूमते घूमते घरों आ गए, पता लग गया थे यार है भी बाइक भी नवी है यार, मज़ेदार है बाइक। हाँ तो फ्रेंड्स गुड बाय टाटा, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको कीजिए लाइक शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।